हेलो। हाँ राजीना जी, श्रेयान बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, सुबह सुबह कॉल किया, डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं 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 सर, एवरीथिंग वाज फाइन। अभी माउथ अल्सर का मैं कुछ टीका खाना खाऊंगा तो मेरे को आइडिया लगेगा कि कैसे है आज। अच्छा, पर अपेरेंटली माउथ अल्सर तो वैसे भी फील होता है ना बिना खाना खाए भी? नहीं, वैसे फील नहीं होता, वैसे फील इन द सेंस मुंह में है, बट वो तो अभी भी है, ऐसे लग रहा है, बट खाना खाने पे मालूम पड़ता है। हम भी तीखा खाते ही आई एम नॉट एबल टू हैव द फूड। ओके, तो आज वर्किंग डे आपका? नहीं, आज छुट्टी है। आज आपको भूख प्यास लग रही है कुछ? भूख लग रही है, प्याज कोई ज्यादा, अभी तक पानी पिया ही नहीं मैंने, तो इतना ऐसे नहीं फील हो रहा है कि मेरे को पानी पीना है। आपको वॉक एंड रेस्ट मॉर्निंग में किया है सुबह उठकर? हाँ, अभी किया है ना, वॉकिंग, वॉक एंड रेस्ट 3 सेट कर लिया मैं अभी तक। अभी आपने कोई मील तो नहीं लिया, खाना तो नहीं खाया? नहीं, नहीं खाया। और पानी? नहीं, पानी भी नहीं पिया। आप एक्सटेंड कर लीजिए जितना भी कर सकते हैं, दोपहर तक या 3-4 बजे तक। ओके ओके, अभी भी कुछ मत लीजिए। और वॉक एंड रेस्ट अब कंप्लीट, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करके ऐसे करके हो सके तो 3 राउंड ले लीजिए, 3 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 3 घंटा कंप्लीट रेस्ट, तो उससे शायद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो यूरिन भी अच्छे से आ जाएगा, यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाएगा इससे। ओके, रिगार्डिंग इरेक्शन मेरा हमेशा रहता है, वैसे इट इज नॉट दैट बैड, बट स्टिल थोड़ा इम्प्रूव हो जावे तो अच्छा है, दैट वाज द थिंग। श्योर श्योर, हो मतलब हो भी जाना चाहिए, अगर आप ट्राई किया होता तो मे बी यू कुड हैव सीन दैट, नहीं तो आज आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो आज भी आपको फील हो जाएगा। इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी एंड आप ट्राई भी करना चाहते हैं, देख लीजिएगा, कुछ देयर बी सम इम्प्रूवमेंट। दैट इज वैसे भी था, वो वैसे नहीं था, बट अब उसमें कितना इम्प्रूव होता है आई एम नॉट एबल टू जज कि कितना इम्प्रूव होगा उसमें। ये क्या रीजन से यू आर सेइंग कि इरेक्शंस अच्छे होंगे, बिकॉज ऑफ फ्लूइड इनटेक नहीं है इसलिए? नहीं, बेसिकली तो ब्लड सर्कुलेशन ही इफेक्ट हो जाता है ना, जब आपका फ्लूइड एक्सेस हो जाता है, बॉडी के 3 चैम्बर्स होते हैं फ्लूइड के, उसमें इम्बेलेंस हो जाता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, तो ये सब करने से, वॉक एंड रेस्ट करने से जो सेल्स में या जहाँ पर भी एक्सेस फ्लूइड है वो खत्म हो जाता है, तो वो बैलेंस रीस्टोर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, तो इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट हो जाता है। विद इन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल से डिहाइड्रेशन के इमीडिएटली बाद में देयर इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आपका माउथ अल्सर भी है वो भी खत्म हो जाएगा, और बाय द टाइम यू फिनिश दिस 3 सेट्स तो उस समय तक आपको और भी एनर्जी वाइज पता चल जाएगा एनर्जी में कितना इम्प्रूवमेंट है। एनर्जी में तो इम्प्रूवमेंट लग रहा होगा? हाँ, एनर्जी, आई एम एबल टू डू ऑल माई वर्क, नो इश्यूज एट ऑल। मेरे को ये एक बड़ी चीज लग रही है, विदाउट हैविंग वाटर आई एम एबल टू डू ऑल दिस थिंग, इवन आफ्टर 36 आवर्स मैंने पानी नहीं लिया, एंड ओनली फूड। मेरे को पहले डाउट था कि विदाउट वाटर विल आई बी एबल टू मैनेज, लेकिन कल पूरा दिन पानी नहीं लिया, आई मीन ऑलमोस्ट 36 आवर्स, परसों रात से छोड़ दिया था, और आज भी अभी तक थर्स्ट तो लगी नहीं। इज इट साइन के मेरे बॉडी में वाटर ज्यादा है, थर्स्ट अभी तक नहीं लग रही है? हाँ, अभी भी ज्यादा ही है, क्योंकि आपका फ्लूइड इंटेक फ्रूट वगैरह सब बहुत ज्यादा था, तो मोस्ट लाइकली अगर आप आज खाना भी नहीं खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खाना भी छोड़ दीजिए तो पैसा क्या, तब तक भी आप खींच सकते हैं, इसको खींच लीजिए तो उसमें एनर्जी लेवल आपका और बढ़ जाएगा, और आपको फिर भूख भी नहीं लगेगी। ओके, अगर आप वॉक एंड रेस्ट 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट करेंगे ना, तो उसमें और सडन काफी इम्प्रूवमेंट्स होगी बहुत एरिया में। ओके, तो अब इसके बाद मैं कैसे फॉलो करूँ? इज इट ओके इफ आई कंट्रोल माई फ्लूइड लेवल ओनली, या आई स्टिल टू कंटिन्यू दिस डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन प्रोसेस? हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रोसेस तो फॉलो करना ठीक रहेगा, बट फ्लूइड को कितना कंट्रोल करना है, जब भी आपको ब्रेन के ऊपर ड्रैग लगे कि ब्रेन में कुछ ड्रैग हो रहा है तो आप ले लीजिएगा फ्लूइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ड्रैग लगे तो अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं तो बॉडी में कहीं भी एक्सेस फ्लूइड होगा तो वो चैनलाइज हो जाएगा।
लाइक येस्टरडे समबडी कॉल्ड अप सेइंग कि पानी कम करने से उसको प्यास बहुत लग रही है एंड ही डिड से कि उसने वॉक एंड रेस्ट किया था बट यूजली वॉक एंड रेस्ट करने से प्यास मैनेज हो जाती है. तो आई आस्क्ड हिम कि एक घंटा वॉक एंड रेस्ट करो फिर उसके बाद कॉल करके बताओ क्या पोजीशन है. तो आफ्टर वन आवर ऑफ वॉक एंड रेस्ट ही सेड कि उसको अब प्यास नहीं लग रहा स्लाइवा आ गया करके. ओके तो आपके बॉडी का जो एक्सेस फ्लूइड है तो वो चैनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगा माउथ अल्सर्स का भी और बाकी भी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है स्किन में कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए सब जगह इम्प्रूवमेंट हो जाता है. ओके एंड इफ आई डोंट ब्रश फॉर 2 डेज इज इट ओके? इवन इफ यू डोंट ब्रश फॉर 10 इयर्स देयर इज नो इशू. ओके क्योंकि मेरे को क्या वो माउथ अल्सर मेरे को ऐसे लगा कि ब्रश करने से कहीं नहीं होके वो वापस रैशेज नहीं हो जावे इसलिए आई अवॉइडेड. आपको मैं दूसरा चीज बताता हूँ कि जो आपका ब्रशिंग है और जो टूथपेस्ट है ये दोनों के दोनों एक्शन जो होते हैं आपके दांतों के लिए हार्मफुल होते हैं. okay. जैसे जैसे आपका स्लाइवा बढ़ता रहता है होता क्या है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने की जो डिब्रीज होती है जो उसका बेसिकली बन जाता है ना पानी का तो उसका अगर आपका स्लाइवा कम होता है या जिस जो आपके बॉडी में जब फ्लूइड ज्यादा होता है तो स्लाइवा यूजली गाढ़ा होता है तो सम ऑफ द डिब्रीज ऑफ द फूड गेट स्टक इन द माउथ. तो वो कुछ टाइम के बाद में जब आप सोते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रात को तो होता ही है तो उसमें वो फर्मेंट चढ़ जाते हैं और फिर उसके गम्स को और दांतों को डैमेज करने लगते हैं. फिर दूसरा जो टूथपेस्ट होता है टूथपेस्ट में एब्रेसिव होते हैं तो वो सुबह हमारा एसिड लेवल भी मुंह में ज्यादा होता है ब्रश लेकर उसको रगड़ते हैं तो दांतों का एनिमल डैमेज हो जाता है. एनिमल डैमेज होने के बाद दांतों को बचाना मुश्किल हो जाता है. दांतों का जो प्रोटेक्शन होता है एनिमल से ही होता है तो कोई भी स्केलिंग या कुछ भी एक्टिविटी जो भी दांतों को वाइट करने के लिए कुछ भी करते हैं उसमें एनिमल खत्म होता है और एनिमल खत्म होने के बाद दांत खत्म होते हैं. तो आपका क्या होता है जब स्लाइवा इस तरीके से करते हैं तो बहुत पतला होता है बार बार थूक को अंदर ले जाते हैं तो जो भी खाना खाने के बाद में डिब्रीज बची होती है वो आपके पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है तो आपके कम्स डैमेज नहीं होते. अब अगर आप 15-20 साल भी नहीं करेंगे ब्रश तो भी कुछ नहीं होगा. अदरवाइज ब्रश करने का प्रॉपर सिस्टम यही है कि सॉफ्टेस्ट बेबी ब्रश ले लीजिए छोटे बच्चों का जो होता है 2-4 साल के और उससे बस थोड़ा सा क्लीन अप कर लीजिए विदाउट एनी टूथपेस्ट तो वो ज्यादा या उंगली से भी कर ले तो अच्छा है मेरे ख्याल से. आज के लिए तो छोड़ दीजिए 2-4 दिन में तो कुछ नहीं होता पर उसके बाद हफ्ते में चाहें तो 2-4 दिन आप बेबी ब्रश से कर लिया करें टूथपेस्ट वगैरह छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहता है उससे दांतों की हेल्थ अच्छी रहती है. राइट लाइक आई एम क्लोज टू 59 नाउ तो अभी मेरे को दांतों का कोई भी एक भी छोटे से छोटा इशू भी नहीं है. लाइक आई कैन टेक टी एंड कोल्ड ड्रिंक ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली. ओके But you are following this hydration dehydration in a proper way, so I'm not following very properly because I don't have any issues. So वो थोड़ा सा होता है कि कुछ भी खाने का मूड करता है तो खा लेते हैं बट हाँ broadly कर लेते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं बीच में कुछ गड़बड़ भी कर देते हैं तो भी कर लेते हैं. लाइक मेरा भी वॉक एंड रेस्ट के अगर मिस होता है तो कल कुछ चलता दौड़ा तो कुछ 1 घंटा वर्क किया तो ठीक हो जाता है. अच्छा इज इट देखो एक जो वॉक एंड रेस्ट का जो चीज है कैन आई इंक्लूड इन माय डेली जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ तो डेली योगा करने के जगह एवरी वीकली ट्वाइस वॉक एंड रेस्ट वाला प्रोग्राम ऐड कर लो 1-1 घंटे के लिए. वॉक एंड रेस्ट का 1 घंटे के लिए मतलब कंटिन्यूस बिकॉज ओनली दैट इज पॉसिबल बींग ऑफिस जाना रहता है मुझे तो वो कंटिन्यूसली पॉसिबल होता है मेरे. सी जो ऑफिस डेज हैं उसमें कंटिन्यूस कर सकते हैं बट कोशिश ये करिए कि अगर आप स्प्रेड आउट करके करेंगे होता क्या है कि जब आप 5 मिनट वॉक करते हैं तो उसके बाद आपको जो बेनिफिट होता है वो कितनी देर होता है इज नॉट वेरी क्लियर बट जिस तरह के रिजल्ट हैं वो यही शो करते हैं कि इसको इसका जो बेनिफिट होता है शायद 1/2 घंटे से भी ज्यादा होता है. आपका जो अपटेक होता है एनर्जी का बाई वाइटल ऑर्गन्स दैट इम्प्रूव्स फॉर लॉन्गर पीरियड तो अगर आप 1 घंटा करते हैं तो वो जो भी बेनिफिट है वो 1.5 आवर्स में खत्म हो जाएगा. ओके और तो अगर आप उसको स्प्रेड आउट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है. ऑफिस में तो फिर मैं वैसे ही कर सकता हूँ कि भाई 5 मिनट वॉक कर लिया देन आई कैन सिट ऑन माय चेयर ओनली आई कैन टेक कंप्लीट दैट इज ओके. ऑल आई मीन इज व्हेनेवर यू हैव अपॉर्चुनिटी लाइक आप सुबह 3 घंटे घर में तो हर घंटे की जगह 1/2 घंटे में कर लीजिए तो दैट विल ऑल्सो बी गुड और इवनिंग में जितना देर घर रहते हैं जितना देर आप कर सकते हैं उसको स्प्रेड करना इज बेटर.
जहां पर आपको लगता है कि जैसे दो दिन बाई चांस किसी वजह से नहीं हो पाया तो उसमें कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, घंटा दो घंटा भी कंटिन्यूस कर लेंगे तो उसमें आपका कम से कम इमीडिएट कंसर्न तो रिजॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, ओके। एंड दिस थिंग इज ओनली और खाने पीने का फ्लूइड अपना तो कितना लेना है मुझे, अगर अभी की बात छोड़ दीजिए, इन रेगुलर कोर्स ऑफ टाइम? रेगुलर कोर्स ऑफ टाइम में आपको हफ्ते में एक दिन पानी का इंटेक बढ़ाना होता है, जब आप 3-4 लीटर तक जा सकते हैं, 4.5 लीटर तक जा सकते हैं। रेस्ट ऑफ द डेज इट शुड बी विद इन 3-5 और 3-6 ग्लासेस। यूजली आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि एक दिन जैसे आपने खाने के साथ ले लिया मिडल ऑफ द मील में बीच बीच में करके, और दो दिन आप खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए। ओके, इसको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपका स्लेवा ठीक से मैनेज रहे, स्लेवा ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, पतला भी रहना चाहिए तो सो दैट आपको और ब्रेन के ऊपर कोई ड्रैग नहीं होना चाहिए। जब भी आपको ब्रेन पर हल्का सा भी ड्रैग लगे तो आप आधे आधे घंटे या आधे घंटे से 1 घंटे के इंटरवल पर एक एक करके 4-5 ग्लास ले लीजिए, ब्रेन पर ड्रैग नहीं होना चाहिए। समझ गए, ब्रेन पे ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ लग रहा है अपने को बिकॉज ऑफ लेस वाटर इनटेक। यस राइट, ओके। एंड रिगार्डिंग सेक्सुअल हेल्थ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्स ऑफ, या एंड यूजली क्या होता है कि फ्लूइड ज्यादा होने से मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो नहीं मिलती, तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। और उसके अलावा जो ये इम्बेलेंस जो डिस्प्रोपोर्शनेट फ्लूइड होता है अलग अलग जगह पर, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाता है। लाइक डायबिटीज में होता है, डायबिटीज इज ऑल्सो मेटाबोलिक सिंड्रोम। मेटाबोलिक सिंड्रोम में 5 कंडीशन आती हैं, एक सेंट्रल ओबेसिटी आता है, एक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आता है, और दूसरा बीपी और डायबिटीज आता है, हार्ट कंडीशन। तो ये जितना भी चीजें हैं इसमें ब्लड कम हो जाता है। इनफेक्ट जब एडवांस स्टेज होती है डायबिटीज में तो यूजली हॉस्पिटल्स में ब्लड दिया भी जाता है, ट्रांसफ्यूजन भी होता है। ओके, और इन सभी कंडीशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ओके, राइट। तो मेडिकली इट इज नॉट स्टिल एक्सेप्टेड कि ब्लड कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाती है, एंड दे स्टिल मेंटेन कि ओल्ड एज के अंदर लोगों को डिहाइड्रेशन होता है। जैसे विनोद खन्ना की शायद डेथ हुई थी, ही वाज डिहाइड्रेटेड, अगर आप उसका फोटोग्राफ्स देखेंगे, सिमिलर कंडीशन जयललिता का हुआ था। तो बेसिकली दीज गाइज आर गिविंग मोर फ्लूइड टू देम बिकॉज उनको बार बार मुंह सूख रहा था, बट वो एक्सेस फ्लूइड ही उनकी डेथ का कारण बन जाता है, क्योंकि जब एक्सेसिवली ड्राई हो रहा है मुंह तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बहुत फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है। अच्छा, ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए अपने जो एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं वो सब बेकार होता है क्योंकि आप उसमें जो छोटी नर्व्स होती है, जहां भी आप प्रेशर डालेंगे छोटी नर्व्स डैमेज कर देंगे, तो सराउंडिंग एरिया ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, वो स्किन की जो नर्व्स होती है जो बहुत छोटी होती है वो डैमेज होती है, तो उससे ओवरऑल लॉन्ग रन में नुकसान रहता है मेरे ख्याल से। क्योंकि ये जो भी मसाज वगैरह होता है उसमें, मसाज हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई, फिजियोथेरेपी में जहां पर लोग एक एक साल फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं और स्ट्रोक से बेनिफिट नहीं मिलता, इसमें 2 दिन में रिकवर कर जाते हैं। ओके, तो दे आर पीपल लाइक 80+ ईयर ओल्ड जो एक साल से बेडरिडन है बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, और वो 2 दिन में उठ के खड़े हो जाते हैं इससे। ओके, आपके डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन प्रोसेस एंड वॉक एंड रेस्ट वाले प्रोसेस जी, जो स्ट्रोक है और बेडरिडन है वो वॉक एंड रेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो उनका सिर्फ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से ही फर्क पड़ जाता है 48 आवर्स में। ओके, तो उसके बाद में एक बार चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाती है। फिर दूसरा, जो बेडरिडन पेशेंट होते हैं उनको अगर जैसे टिंगलिंग या सहला देते हैं ना स्किन को, तो स्किन का जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो एक्सेस यूरिन में फ्लो बढ़ जाता है, तो वो भी हेल्प करता है। जहां जहां एक्सेस फ्लूइड अगर वो निकल जाता है, वॉक एंड रेस्ट नहीं होता एल्डरली लोग बेडरिडन है, उसमें भी हेल्प करता है ये, सहलाने से उससे निकल जाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है ड्रास्टिकली। ओके, अच्छा, ये मैंने पानी नहीं पिया लेकिन 3-4 बार यूरिन पास कर दी है, वाज दैट ओके? हाँ, दैट इज ओके। अगर आप वॉक एंड रेस्ट ज्यादा करते कल तो यूरिन आउटपुट और ज्यादा इंक्रीज होता। अभी आप जैसे नहीं खाना और पानी दोनों छोड़ेंगे, यू माइट एक्सपीरियंस कि ऑलमोस्ट हर घंटे में यूरिन होता रहेगा आपको। ओके, जो भी बॉडी में एक्सेस फ्लूइड
एक्सेस फ्लूइड निकल रहा है, इट इज लाइक एक्सेस फ्लूइड निकल रहा है मेरा. यस ओके. और तो मैं बता दूंगा सर वापस फीडबैक आपको. एंड इट वाज वेरी गुड टेकिंग दिस हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन प्रोसेस. आई फेल्ट रियली कुछ तो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बट आई डोंट नो अभी मोतल सर तो मेरे को आज मालूम पड़ता है आज या कल तक कितना इफेक्टिव रहा, बट इट वॉज रियली वैसे भी हेल्प वाइज आई फेल्ट बेटर. ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर. या हेलो. हेलो, हाँ जी, आपका फोन आएगा. हाँ राजेंद्र जी, ये पूछना था अभी रेगुलर में फ्रूट्स और जूसेस कितना ले सकते हैं अपने रेगुलर रूटीन में, अभी के लिए नहीं आफ्टर 15 डेज. आई थिंक इट शुड बी वंस और ट्वाइस ओनली इन अ वीक. ओके, वंस और ट्वाइस इन द वीक. एंड जब वो मौसम एकदम बढ़िया होता है जिसमें बेस्ट मतलब फॉर्म में हो फ्रूट और सबसे सस्ता हो उसी समय लेना चाहिए. Okay. जो सीजनल हो, जो उस टाइम का सीजनल फ्रूट हो, उस टाइम का सीजनल हो. और सीजनल यूजली जो टॉप क्वालिटी होती है वो मेरे ख्याल से 5-10 दिन ही होती है, तो बस उसी पीरियड में एक दो बार ले लेना चाहिए और ज्यादा नहीं लेना चाहिए. ओके okay. उस समय ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब नॉट टू रेस्ट्रिक्ट वन और टू. उस समय ये भी कर सकते हैं कि पूरा दिन फ्रूट ही ले लें. पूरा दिन फ्रूट नहीं लेना है क्या? पूरा दिन ले सकते हैं उस समय जिस समय आपको लग रहा है कि इसमें टॉप क्वालिटी है. और उसमें क्या होगा कि कोई भी बॉडी में डिफिशियंसीज होगी वो मेकअप हो जाएगी, और उसके बाद रोक देंगे तो उसके बाद जो भी एक्सेस लिया होगा वो निकल जाएगा, तो बॉडी का जो सिस्टम है वो भी सेट रहता है ना, कि ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लम नहीं हो, कम हो तो भी प्रॉब्लम नहीं हो. ओके, जो सीजनल फ्रूट हो, जिस सीजन में जो फ्रूट सबसे अच्छा होता हो उस टाइम पे अपने एक दिन वो फ्रूट डाइट ले सकते हैं, पर्टिकुलर वीक महीने में एक आध दिन वैसे हो सकता है. हाँ, 2-3 दिन भी हो सकता है. अच्छा, महीने में 2-3 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर सीजन का फ्रूट ही होना चाहिए एंड द फुल डे द सेम फ्रूट ओनली. नहीं, जरूरी नहीं कि फुल डे ही, मतलब ऑल आई मीन इज कि एक्सेस में भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आपने आधा किलो या एक्सेस में ले सकते. समझ गए, एक्सेस में ले सकते. ओके, और जूसेस भी थोड़ा कम कर ले, वेजिटेबल जूसेस वगैरह? नहीं, उसका तो कोई काम नहीं है. वेजिटेबल्स तो यूजली हम लेते रहते हैं, तो बस टेस्ट के लिए जूसेस का तो कोई जरूरत नहीं है. सलाद अगर टेस्ट के लिए लेना चाहे थोड़ा सा वेरी मिनिमल काइंड ऑफ, तो वो ले सकते हैं, बट रेगुलर कोर्स में नहीं लेना चाहिए. राइट, आपके हिसाब से जितना कम हो ले सके, और सीजनल जो भी आइटम हो वो ज्यादा उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे ले लो, 2-3 दिन, हफ्ते में एक दिन भी हो जावे वैसे. जी जी ओके. एक बार मेरी मिसेज बात करना चाहते हैं आपसे.